बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में आपका खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। एक्सरसाइज 8.1 से पहले हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होती है और सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी थी, वो बाद में देखते हैं। तो कन्वर्जेंस का मतलब है अगर कोई जो सीक्वेंस है वो किसी खास नंबर को अप्रोच करती है, किसी खास लिमिट को अप्रोच करती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर वो किसी खास नंबर को अप्रोच नहीं करती तो वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। ये सारी क्या है, ये nth टर्म दी गई हैं। nth टर्म का मतलब है ए एन हमें पहले से दिया हुआ है। ये सारे क्या हैं, ए एन हैं। ये ए एन दिए हुए हैं, nth टर्म दिए हुए हैं हमें। तो कहता है डिटर्मन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जिज आर डाइवर्जिज। ये पता करें कि ये सीक्वेंस जो है, ये जिसकी ये nth टर्म है, वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर कन्वर्ज करती है तो उसकी लिमिट क्या होगी। तो हमने पढ़ा था कि ऐसी सीक्वेंस जो किसी खास नंबर को अप्रोच करती है उसको कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहते हैं। अगर किसी खास नंबर को अप्रोच करेगी तो हम कन्वर्जेंस हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, और वो लिमिट क्या जो आंसर आएगा वो हम कहेंगे कि वो उसकी लिमिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। अगर इसकी लिमिट का कोई आंसर आया, कोई खास नंबर कोई आंसर आया, अनडिफाइंड ना आया, तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है उसका nth टर्म क्या है, ए एन इज इक्वल टू टू बाई एन स्क्वेयर प्लस थ्री, एन स्क्वेयर प्लस थ्री और इसकी जो है ना स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि लिमिट एन को बहुत बढ़ा दें, एन अप्रोच कर दें इन्फिनिटी को, एन को बहुत ही लार्ज कर दें, तो जो सीक्वेंस होगी वो किसी नंबर को अप्रोच करेगी, तो हम कहेंगे कि वो जो है ना वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो हम इसकी एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं दोनों तरफ। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन, यानी कि एन को बहुत ही बढ़ा दें तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं सीक्वेंस कन्वर्ज करती है कि नहीं। कन्वर्ज होने का मतलब आपको पता है कि जब जूँ जो हम एन को बढ़ाते हैं, एन को बहुत ही लार्ज कर देते हैं, तो जो सीक्वेंस है किसी खास नंबर के पास चली जाती है। तो एन को हम जनरली लिखते हैं कि एन अब इन्फिनिटी को अप्रोच कर गए, बहुत ही बड़ा एन हो गया। एन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टू डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर प्लस थ्री, इसका स्क्वेयर रूट। अब इसके अंदर जारी बात है, इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टू बाई इन्फिनिटी स्क्वेयर प्लस थ्री तो इज़ इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, टू बाई इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका जवाब जो आया है वो ज़ीरो आया है। इसका मतलब है ज़ीरो इज़ इक्वल टू एल। ये जो लिमिट है इसकी, जो ये जो सीक्वेंस है ए एन जिसकी nth टर्म हमें दी गई है, वो किसको कन्वर्ज करती है, ज़ीरो को। तो आखिर में हम लिख देंगे एज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस अप्रोचेज टू ए डेफिनेट नंबर ज़ीरो। इस डेफिनेट नंबर को ज़ीरो को ये लिमिट अप्रोच कर रही है, सीक्वेंस की जो लिमिट है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है कन्वर्ज करती है ज़ीरो को। ये था सिंपल सा पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू की हम जो nth टर्म है वो हमने लिख दी है इधर, और उसके बाद हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अगर ज़ीरो या लिमिट अगर किसी डेफिनेट नंबर को अप्रोच करेगी तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। ये फैक्टोरियल की शक्ल में आ गया, फैक्टोरियल की शक्ल में आ गया, तो इसको हम खोल देते हैं। हमें पता है कि n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड सो ऑन वन तक जाता है। तो अगर यहाँ तक ये वाली सारी टर्म अगर देखें, एन को छोड़ के ये वाली सारी चीज़ देखें, तो ये क्या लिखा हुआ है, एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सारे को हम, इस सारे की जगह हम एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से देखेंगे बड़ा कौन सा है, एन माइनस वन बड़ा है या एन माइनस थ्री बड़ा है, क्योंकि हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है ना। तो n माइनस वन बड़ा है n माइनस थ्री से, लिहाजा इसको हम ओपन करेंगे तो इस छोटे की तक चला जाएगा। इसको लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n माइनस थ्री, फैक्टोरियल को ऐसे लिख देते हैं n माइनस वन। ठीक है, फैक्टोरियल नहीं लिखते बल्कि हमने n माइनस थ्री तक जाना है, क्योंकि छोटा n माइनस थ्री है, छोटे तक जाना ताकि वो काट जाए। n माइनस टू,
फिर एन माइनस थ्री तक जाके हमने इधर फैक्टोरियल लिख देना है, ठीक है। फिर इसको और इसको काट देते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, वन बाई एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और साथ में लिमिट लिख देंगे, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब जाहिर बात है एन की जगह अगर इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमारे पास नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू लिखते हैं वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी, तो ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये भी डेफिनेट लिमिट को अप्रोच कर रहा है, तो आखिर में हम लिख देंगे एज लिमिट ऑफ सीक्वेंस अप्रोचेज टू ए डेफिनेट नंबर सो गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ज़ीरो, तो इसी लिमिट को वो कन्वर्ज करेगी, तो जिसको वो अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री के nth टर्म ये है, इसके हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस माइनस वन की पावर n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब आपको पता है कि माइनस वन की पावर अगर n हो जाए तो ये कभी माइनस वन जवाब आएगा, कभी प्लस वन, कभी माइनस वन, कभी प्लस वन। जब n ऑड होगा तो ये जवाब माइनस में आएगा, जब n इवन होगा तो जवाब प्लस में आएगा। तो ये सिर्फ प्लस माइनस वन में ही चेंज होता जाएगा, लेकिन जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो नीचे बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा, तो नीचे अगर बहुत ही बड़ा नंबर आ जाए तो ऊपर वाला नंबर छोटा होने की वजह से कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ज़ीरो बन जाएगी, तो हम लिख देंगे वन, वन की वन तो वन है, इसके साथ कोई एन नहीं है तो ये वन ही रहेगा, प्लस क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ जाएगी तो ये सारा ज़ीरो बन जाएगा, तो वन प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। तो ये भी एक डेफिनेट नंबर आया है, तो आखिर में आप लिख देंगे एज लिमिट अप्रोचेज ऑफ द सीक्वेंस अप्रोचेज टू ए डेफिनेट नंबर वन सो द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू वन। सिंपल ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पहली जो एक्सरसाइज है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ऊपर है एन प्लस वन, इसकी होल पावर क्या है वन बाई टू, नीचे है पावर वन, ठीक है। यानी कि ऊपर ऊपर वाली जो डिग्री है एन की पावर क्या है वन बाई टू, नीचे डिग्री है इसकी वन, ठीक है। तो ऊपर से हम कॉमन लेंगे उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, नीचे आके उसकी पावर माइनस हो जाएगी। इसे ऊपर में कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेंगे एन वन बाई टू हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा एन, एन की जगह वन आ जाएगा क्योंकि एन बाहर आ गया, प्लस वन बाई एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जब कॉमन लिया तो एन बाई एन था, एक एन बाहर चला गया, वन बाई एन रह गया अंदर, ठीक है। तो उसके बाद नीचे क्या बचा है, नीचे एन की पावर वन है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें इन्फिनिटी पुट कर दें तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, लेकिन अगर थोड़ी सी कॉमन लेके चेंजिंग कर दें तो ये हल हो जाता है। तो उसके बाद जब ये नीचे आएगा ना, नीचे इसकी पावर वन है, ऊपर से आधी आई है, वन इसे आधा निकाल दे तो आधा बचता है, तो हम लिख देंगे वन प्लस वन बाई एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई हम लिख देंगे एन की पावर वन बाई टू, ठीक है। जब इसमें लिमिट लगाएंगे एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, वन प्लस ज़ीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर वन बाई टू इन्फिनिटी होता है, वन बाई इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके जवाब भी डेफिनेट आया है, कोई खास नंबर आया है, तो हम कह सकते हैं कि एज द सीक्वेंस लिमिट ऑफ द सीक्वेंस अप्रोचेज टू ए डेफिनेट नंबर एल, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, और ये किसको कन्वर्ज करती है, ज़ीरो के पास चली जाती है, ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर हमारे पास जो लिमिट दी गई है सीक्वेंस की, जो एनस टर्म दी गई है ए एन, वो किसके बराबर है, एन की पावर वन बाई एन के बराबर है। अब ये देखें एन की पावर वन बाई एन के बराबर है, तो अगर हमने पढ़ा हुआ है कैलकुलस के अंदर कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो सबसे पहले इसके दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, लॉग ए एन इज़ इक्वल टू, जब इसका लॉग लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी वन बाई एन लॉग एन, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ ए एन इज़ इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लॉग एन डिवाइडेड बाई एन। अब ये
इसमें n की जगह इन्फिनिटी पर लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और नीचे भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई है। ये कौन सी फॉर्म आ गई है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। जब ये फॉर्म आ जाए तो हम कोई ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं, कॉमन वगैरह लेते हैं। अगर ना मसला हल हो तो हम लॉपिटल रूल लगाते हैं। अब इसमें कोई कॉमन वगैरह नहीं ले सकते तो ये मसला हल नहीं हो रहा, हम यहाँ पर लॉपिटल रूल लगाएंगे। तो हम लिखेंगे बाई लॉपिटल रूल, इसको हॉस्पिटल नहीं पढ़ना, आपने इसको लॉपिटल रूल पढ़ना है, ठीक है। तो एस पी जो है उस यानी कि एस साइलेंट है, लॉपिटल रूल पढ़ना है। तो यहाँ से लॉपिटल रूल हमें क्या कहता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव भी लें, नीचे वाले का डेरिवेटिव भी लें, अगर कौन सी फॉर्म आ जाए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए। लॉग एन का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाई एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन का डेरिवेटिव क्या होता है? वन, ठीक है। तो इधर साथ में लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी भी साथ रख देते हैं, वन बाई एन हो जाएगा ये, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ये वन बाई एन ही रहेगा, तो वन बाई इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका जवाब भी एक डेफिनेट नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी इस सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। किसको कन्वर्ज करती है? जिसकी लिमिट ज़ीरो है तो ज़ीरो को ही कन्वर्ज करती है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू की पावर एन डिवाइडेड बाई टू एन फैक्टोरियल, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है टू एन फैक्टोरियल और ऊपर लिखा हुआ है टू की पावर एन। अगर इसमें इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही बन जाती है, लेकिन अगर हम इसमें कॉमन वगैरह भी नहीं ले सकते, लेकिन अगर इस फैक्टोरियल को खोल लें तो हम कॉमन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम डेरिवेटिव भी नहीं ले सकते फैक्टोरियल की वजह से, तो हम इसमें वही काम करते हैं कि इसमें टू की पावर एन को ऐसे लिख लेते हैं, इस फैक्टोरियल को हम खोल लेते हैं, टू एन एज इट इज़, फिर टू एन माइनस वन, फिर टू एन माइनस टू, फिर टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, चलता चलता थ्री टू वन तक जाता है। हमें पता फैक्टोरियल जहाँ से यानी कि एन फैक्टोरियल है ना, एन फैक्टोरियल एन से स्टार्ट होता है और हमें वन तक जाता है, ठीक है, जाके वन तक रुकता है। तो ये टू एन था, टू एन से स्टार्ट हुआ है तो जाता जाता वन तक रुक गया जाके, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें इवन वाली टर्म अलहदा कर लेते हैं। जैसे ये इवन है, ये वाली भी टू एन माइनस टू ये भी इवन है, ये वाले ऑड नंबर हैं, टू एन माइनस वन ये भी ऑड नंबर है, ये टू एन माइनस थ्री ये भी ऑड है। तो यहाँ से ऑड का मतलब है, देखें ना कि सेवन को हम इस तरह लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री प्लस वन की शक्ल में लिख सकते हैं, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, फोर टू ज़ार एट माइनस वन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है टू एन माइनस वन की शक्ल में या टू एन प्लस वन की शक्ल में जो नंबर लिखा होगा तो उसको हम ऑड नंबर कहते हैं, या आपने पढ़ा होगा। जो इसमें इवन नंबर को अलहदा कर लेते हैं, टू की पावर एन डिवाइडेड बाई टू एन इंटू ये टू एन माइनस टू और टू एन माइनस फोर हो जाएगा, जारी बात आगे चलते चलते या टू तक आगे, ठीक है, टू तक ये सारे नंबर हम अलहदा कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑड नंबर है वो ये है टू एन, यहाँ पर टू एन माइनस वन है, साथ टू एन माइनस थ्री है, फिर टू एन माइनस फाइव है, सारे ऑड नंबर अलहदा कर लिए, इवन वाले अलहदा हमने कर लिए। उसके बाद ये लिमिट भी साथ लिख देते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद टू की पावर एन डिवाइडेड बाई, यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं, जब टू कॉमन लेंगे एक टू यहाँ से, एक टू यहाँ से, एक टू यहाँ से, सो ऑन करके कितने टू कॉमन ले लिए, टू की पावर एन बन जाएगी, यानी कि टू की पावर वन प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर यानी प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई टू वन, टू की पावर वन, टू की पावर वन, सो ऑन करते करते टू की पावर सारी पावर्स को जमा करेंगे तो एन बन जाएगा। यानी कि अगर सो इसकी ये सो टू आते हैं ना यहाँ से, तो टू की पावर सो हो जाएगी, हज़ार आते हैं टू की पावर हज़ार हो जाएगी, तो यह सारे हमने टू की पावर एन लिख दी है। यहाँ पर क्या बचेगा? एन एन इंटू यहाँ पर क्या बचेगा? एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, सो वन, ठीक है, इधर वन बचेगा। तो इसको इसकी जगह सारे की जगह हम एन फैक्टोरियल ना लिख लें, एन फैक्टोरियल इसकी जगह लिख देते हैं,
अगर एन फैक्टोरियल भी ना लिखें तो ऐसे लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। एन फैक्टोरियल हो गया इन टू, ये वाला सारा ऐसे ही लिखेंगे, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री और टू एन माइनस फाइव एंड सो ऑन थ्री डॉट वन। अब देखें ये टू एन से कट गया, तो जो हमें खतरा था कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म बन गई है, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म बन गई थी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म ख़त्म हो गया, अब ऊपर वन आ गया। जब ऊपर वन आ गया तो नीचे एन, जिधर भी एन, एन की जगह पुट करेंगे इन्फिनिटी बन जाएगा सारे का सारा, तो ये बन जाएगा वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू, जो जवाब आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो आखिर में हम लिख देंगे एज़ द सीक्वेंस, जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो वो उसी को वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स।